हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी जो पढ़ रहे थे इसका मैकेनिज्म लेके आए हैं इस पे वीडियो ओके okay? तो लेट्स स्टार्ट विथ इट सो मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ठीक है पेपर क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कैसे होता है तो अभी हमने बोला था कि लिक्विड जो है मोबाइल फ़ेज सॉलवेंट है ना सॉलवेंट मोबाइल फ़ेज है पेपर जो है वो स्टेशनरी फेज की जैसे एक्ट कर रहा है बट एक्चुअली कैसा कैसे हो रहा है कि वाटर ऊपर ट्रेवल कर रहा है इसका मैकेनिज्म है क्या ठीक है तो वो अपन यहां पर देखेंगे सो so, अभी हमने क्या देखा सो फार वी हैव नॉट डेलिब्रेटेड अपॉन वाटर प्रेजेंट इन द दल्योज पेपर हमने क्या बोला था पेपर में सेल्यलोज है ट्वेंटी परसेंट वाटर है बट एक्चुअल रोल जो डिसाइड करने में है वो है वाटर का ठीक है एक्चुअली वाटर जो है यहाँ पे स्टेशनरी फेस की जैसे एक्ट कर रहा है समझ रहे हो वाटर यहाँ पे स्टेशनरी फेस के जैसे एक्ट कर रहा है और मोबाइल फेस भी लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हुई ठीक है इसी वजह से जो कॉम्पोनेंट्स है मिक्सचर के वो सेपरेट हो रहे हैं बिटवीन टू लिक्विड फेसेस ठीक है एंड हेंस पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो है पार्टीशन ठीक है पार्टीशन किसका कॉम्पोनेंट्स का दो लिक्विड या डिफरेंट लिक्विड फेसेस के बीच में एवरी टाइम जब भी मोबाइल फेस मूव होता है देयर इज एन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जैसे ये पेपर है यहाँ पे लिक्विड मूव हो रहा है देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू लिक्विड फेसेस एंड द कॉम्पोनेंट्स ठीक है इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड टू लिक्विड फेजेस एंड कंपोनेंट सो अब होता क्या है जो कंपोनेंट बहुत टाइटली हेल्ड है स्टेशनरी फेस से तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे ट्रेवल होगा बनी बात है ठीक है अब जो लूजली Uh, है या फिर जिसका इंटरैक्शन कम है लूजली हेल्ड है वो क्या होगा जल्दी जल्दी ट्रेवल होगा है ना तो ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है कि स्ट्रॉन्गली हेल्ड मूव स्लोली एंड द वाइस ओके नाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर विल मूव विथ डिफरेंट रेट अलग अलग रेट पे मूव करेंगे ये मोबाइल फेस के जैसे इसी वजह से क्या होगा सेपरेशन होगा आई बात समझ इसी वजह से क्या होगा सेपरेशन होगा और इसमें क्या होता है कि सिर्फ पार्टीशन ही एक इसका मेकेनिजम नहीं है सेपरेशन का पेपर क्रोमेटोग्राफी का बट अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुए हैं या और भी चीजें डेवलप होती हैं ना धीरे धीरे तो क्या होता है कि ये भी बताया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है जिसकी वजह से सेपरेशन एक के लिए ये इम्पोर्टेंट है दूसरा बताया कि मॉडिफाइड सेलोस पेपर्स भी आप यूज कर सकते हो तो क्या होता है तो केमिकली मॉडिफाइड पेपर्स होते हैं ना जैसे कार्बोक्सिलेटेड या कार्बोक्सीटेड यासीटाइलेटेड पेपर्स अवेलेबल है मार्केट में तो जो कार्बोक्सिलेटेड पेपर्स होते हैं ना वो किसके लिए सुटेबल है अमीनो एसिड्स और अमीन्स के सेपरेशन के लिए एसिटाइलेटेड पेपर जो होते हैं ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होते हैं हाइड्रोफिलिक मतलब पानी के प्रति उनका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है तो ये रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज होते हैं फिर पेपर यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी को आप लोड कर सकते हो कैटाइन एनाइन एक्सचेंज रेजिन से तो ये रेजिनस के सेपरेशन मतलब रेजिनस का यूज करके सेपरेशन आप कर सकते हो है ना किसी भी आयस का फिर एक और चीज बताई कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल वॉट टू यूज पेपर जिसमें सिलिका या एल्यूमिनिया हो तो ये क्या हो सकता है इनका मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन क्या इन्वॉल्व करेगा एड्सॉप्शन आपको पता है ना सिलिका बॉटल में भी एक छोटा सा पैकेट होता है उसमें सिलिका होता है ठीक है क्या होता है उसको उसको क्यों डालते हैं हम बॉटल में कि जितना भी एड्सॉप्शन है खींच के रखे इसी तरीके से अगर सिलिका या एल्यूमिनिया का आप पेपर में डाल देते हो तो ये एक्जॉप्शन के बेस पे सेपरेशन होगा कंपोनेंट्स का फिर हाइड्रोफिलिक पेपर्स यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक कैसे बनाओगे मीथिनल ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल से ट्रीट करके बना सकते हो ओके okay? तो ये आपके कुछ क्वेश्चनस जो पेपर में आते हैं उस पर बेस्ड वीडियोज़ थे वन फोर वन वाले स्टूडेंट्स के लिए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ जिसमें और भी लोगों के पास ये वीडियोस पहुँच पाएँ और उनको एग्ज़ाम में कोई हेल्प हो सके ओके सो थैंक यू एंड नेक्स्ट वी विल डील विथ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ओके थैंक यू